अंबिकापुर में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले के श्रम विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया, जिले में हजारों की संख्या में संगठित और गैर संगठित श्रमिक के तौर पर श्रमिक काम करते हैं। सरगुजा जिले के श्रमिकों के पंजीयन नहीं होने पर सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने सभी अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। आगामी समय में संगठित और गैर संगठित श्रमिकों के पंजीयन करने को भी कहा है। कलेक्टर ने बताया, श्रमिक बहुत गरीब होते हैं, इनके लिए मदद करना एक पुण्य भी है, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना कर्तव्य है। जितनी भी योजना है, हितग्राही मूलक योजना है, उसको लेकर ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया था और इसमें सबसे पहले जो श्रम अधिकारी है, लेबर ऑफिसर, उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण दिया, सारे जो पंजीयन कैसे होता है और कितनी सारी योजनाएं हैं, कितने तरह के श्रमिक होते हैं, उसका लाभ कैसे मिलता है, और काफ़ी सारे विभाग आज उपस्थित थे। मतलब आप जिले के सारे विभाग इसमें उपस्थित थे, जो जिनके यहाँ भी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज लेबर काम करता है। तो मुझे लगता है कि और इसके अलावा जिले के अलावा ब्लॉक स्तर से और पंचायत स्तर से भी लोग आए हुए।